नए वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। हाय डैड, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो बेटा? कॉलेज जाने की तैयारी। आप बताओ क्या कर रहे हो? लगता है आज कोई मीटिंग नहीं है, तभी सुबह सुबह अपनी बेटी की याद आ गई आपको। हाँ बेटा, मीटिंग में तो अभी टाइम है। और रही बात तुमसे बात करने की, तो बेटा तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मीटिंग भी नहीं, समझी? अच्छा, तभी पूरे 2 दिन बाद याद आई है आपको आपकी बेटी। अरे बेटा, एक्चुअली कल मैं पूरा दिन बिजी था, आधा दिन मीटिंग में निकल गया और आधा दिन ट्रैवलिंग में, इसलिए कॉल नहीं कर पाया। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी बाहर हॉल में और बहुत नाराज हैं आपसे, पता है? मम्मी ने भी कई बार कॉल किया बट आपने उठाया ही नहीं फोन। मम्मी, डैड का कॉल। मुझे नहीं करनी बात। अरे अरे सॉरी यार जया, एक्चुअली कल मैं पूरा दिन बिजी था, इसलिए बात नहीं कर पाया मैं। अब मिल गया टाइम, लगता है फ्री है आज जनाब, इसलिए कॉल कर लिया। अरे सॉरी बोला तो बाबा। वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे लिए बिजनेस तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमें पता है कि यही सच है, है ना रश्मि? आज तो ऐसा नहीं लग रहा है। देखा, मेरी बेटी भी तुमसे एग्री नहीं करती है। हाँ हाँ, मक्खन लगा रही होगी ये। जरूर इससे कुछ चाहिए होगा। क्या चाहिए तुझे? मॉम, मैंने ना डैड को पहले बता दिया कि मुझे क्या गिफ्ट चाहिए। डैड, याद है ना आपको कि मुझे क्या गिफ्ट चाहिए? ऑफ कोर्स याद है बेटा, मैं ले आऊंगा, डोंट वरी। मेरे आते ही तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारे हाथ में होगा, ठीक है? अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ घर कब वापस आ रहे हो? मैं कल ही निकल रहा हूँ यहाँ से। जया, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जल्दी वापस आ जाओ, मुझे जो चाहिए होगा मैं यहीं से ले लूंगी। ठीक। अच्छा डैड, मुझे ना लेट हो रहा है, आप मम्मी के नंबर पे कॉल कर लो ना। ठीक है बेटा, वैसे मेरी भी मीटिंग का टाइम हो रहा है। चलो ठीक है, रखते हैं, बाद में बात करते हैं। ठीक है, बाय, लव यू। बाय बाय डैड, जल्दी कर तू। हाँ गीता, मर गई क्या? चाय बना रही है बिरबल की खिचड़ी, कितना टाइम लगेगा? और बस बन गई मेम साहब। बन गई, हर काम धीरे धीरे करती रहती है। ये क्या कर रही है तू? ये पसंद है तुझे? नहीं दीदी, बस ऐसे ही। अरे पसंद है तो रख ले ना, वैसे भी बहुत पुराने हो चुके, मैं नहीं पहनती इन्हें, तू रख ले। बाय मॉम। बाय, ध्यान से जाना। हाँ। और लंच टाइम पे कर लेना। अंधी हो गई है क्या? हाथ जला दिया मेरा। माफ कर दीजिए मेम साहब, गलती से गिर गई। गलती से गिर गई? अभी बताती हूँ गलती कैसे। क्या कर रही है? अभी सबक सिखाती हूँ तुझे मैं। ऐसे होती है गलती, पता चला तुझे? क्या हुआ, खाना नहीं बना अब तक के? क्या कर रही थी इतनी देर से? सच में कामचोर हो गए हो तुम दोनों।
कितना टाइम लगेगा और? बस बन ही रहे मैडम। क्या है? क्या है? क्या है तेरे मुंह में? मुकुल, मुकुल, क्या है ये? थोड़ी भूख लगी थी मैम साहब, तो थोड़ा सा। भूख लगी है तो कुछ भी खाएगी, खाना झूठा करेगी, कुछ भी करेगी। इससे तेरा पेट भर जाएगा। भूख लगी है ना तुझे? अभी मिटा दियो तेरी भूख। ले खाना। अब मेरी भूख तेरी और खा, और खिलाती हूँ। ले खा ले। नहीं मेरे साथ। खाना बना जल्दी। सबके सब काम छोड़े गुड्डी। ये तो रश्मि के इयररिंग्स है ना, तेरे पास कैसे है? चोरी की तूने? नहीं नहीं मैम साहब, वो दीदी ने मेरे को। दीदी ने क्या? हां तेरी अपनी बात चोरी करके तू इधर आ। दोनों मां बेटियों के दिमाग खराब हो गए। पतवारी मैम साहब, गलती से हो गया, माफ कर दीजिए। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। माफ कर दीजिए। आइंदा से ऐसा हुआ ना, तेरी खाल उधेड़ के रख दूंगी, समझी? बाबा, मैंने चोरी नहीं की है। बाबा, मैंने चोरी नहीं की है। काश पिताजी के कैंसर के इलाज के लिए मैंने वो पैसे ना लिए होते और उन कागजों पर अंगूठा ना लगाया होता, तो शायद आज हम इतने मजबूर ना होते। गीता, ये लो, पूरे 2,00,000 रुपए हैं। धन्यवाद साहब जी, सच में आप इस वक्त हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। ये एहसान हम लोग जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। अरे इसमें एहसान की क्या बात है रमेश, और जरूरत पड़ेगी तो और भी दूंगा, पर इतनी बड़ी रकम दे रहा हूं तो मुझे भी कुछ गारंटी चाहिए। साहब जी, जब से होश संभाला है आप लोगों के ही काम किया, हमारे लिए तो भगवान भी और माए बाप भी सब आप ही हो। गारंटी मतलब हम लोग क्या ही लाएंगे साहब जी? तुम हो ना, मतलब साहब जी? मतलब ये रमेश कि जब तक तुम ये पैसे वापस नहीं कर देते तब तक तुम और तुम्हारी फैमिली मेरे यहां काम करेगी। अगर शर्त मंजूर है तो ये रहा एग्रीमेंट, यहां पे अंगूठा लगा लो। अरे सोच क्या रहे हो रमेश, देखो जैसे तुम लोग पहले काम किया करते थे वैसे ही आगे भी करते रहना। जिस दिन पैसे वापस कर दोगे उस दिन तुम आजाद, फिर जो जी में आए करना। ठीक है साहब जी, बताइए कहाँ अंगूठा लगाना? ये हुई ना बात, ये यहां पे। शाबाश। पिताजी को भी नहीं बचा पाए और हम भी गुलाम बन गए। क्या जिंदगी भर हम ऐसे ही गुलामी करते रहेंगे? शायद हमारे नसीब में यही लिखा होगी, तो नर्क से निकलने का कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आता।
अरे मयंक, कैसे हो? अरे अनिल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा हूँ। इस बार काफी लंबी ट्रिप पर गए थे? जी, मैं वो लंदन गया था। वो अच्छा, लंदन गए थे। शाम को आओ घर पर। आता हूँ मैं। चलो बाय। बाय। अबे साले, खड़े खड़े बातें क्या सुन रहा है? सामान तेरा बाप निकालेगा क्या? सॉरी सर। सॉरी का बच्चा। मैं आ गया। डैड। आप आ गए? अच्छा ये बताइए, मेरा गिफ्ट क्या है? मुझे पता था आते ही सबसे पहले यही पूछने वाली हो। ये रहा तेरा गिफ्ट। थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू सो मच। लव यू टू बेटा। अरे चेक तो कर ले। हाँ। हाय, कैसी हो जया? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। कैसी रही आपकी ट्रिप? बहुत अच्छी। डील भी फाइनल हो गई और ऑर्डर भी मिल गया। वाओ, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, अपनी बेटी के लिए तो गिफ्ट लेकर आए और बीवी के लिए कुछ नहीं? हाँ भाई, बीवी के लिए भी लेकर आया हूँ। मैं लंदन से बहुत स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूँ। रियली? कहाँ है? बैग में। साहब जी, पानी। गीता, चाय चढ़ाई या नहीं, या बोलना पड़ेगा? जी मैम साहब, चढ़ा दी। I missed you too. सच में बहुत याद आती थी तुम्हारी। सच? सुनो ना, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, नहाने जा रहा हूँ। रोमांस रात में करते हैं। अरे? रात में। गुड्डी, गुड्डी। जी मालकिन। इस कमरे की सफाई तूने की थी? जी मालकिन, मैंने की थी। क्या ये? हाँ? ऐसे करते सफाई? ये दाग यहाँ पे कैसे रह गया? वो मैं भी साफ कर देती हूँ। कहाँ जा रही है? हाँ? कपड़ा लाने। रुक, चल कर साफ। पर कैसे? अपनी जबान से साफ कर। कर, मेरा चेहरा क्या दिख रही है? रश्मि बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही तुम्हारी? बहुत अच्छी चल रही है डैड। की बेटा? मयंक, पूरा एक साल हो गया है, आप ट्रिप पे ट्रिप किए जा रहे हो, ढंग से दो दिन भी घर में नहीं रुके। इस बार भी रुकने का इरादा है या फिर से कहीं जा रहे हो? जया, एक हफ्ते के लिए मुंबई जाना है, बहुत अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी। बस मीटिंग अटेंड करने के बाद मैं पूरा महीना फ्री हूँ, फिर रहूंगा तुम लोग साथ घर पे। ये बात पूरे एक साल से सुनते आ रही हूँ मैं, यानी कि इस बार भी आपका रुकने का कोई इरादा नहीं है। इट्स माई बिजनेस जया, मुझे करना पड़ता है ये सब। पानी दे। माफ कर दीजिए, बोलती रहती है, एक काम ढंग से नहीं करती है। चल साफ कर इसे। जी। या, कूल डाउन, बैठ जाओ, चलो खाना खाओ, खाओ खाना।
हो गया सारा काम? जी मैम साहब। ए रुक, क्या ये ऐसे साफ होते बर्तन? सोने की ज्यादा जल्दी है तो बर्तन ऐसे खराब छोड़ के जाएगी तू? इसे दोबारा से साफ कर, और हां सोने से पहले पूरा किचन साफ करके सोना। और कहां है वो तेरी कामचोर गुड्डी? हाँ नींद आ रही होगी राजकुमारी को, सोने चली गई होगी। चल बर्तन फिर से दो, धो। ये क्या रही है? हाँ इतने दिन बाद मिले हैं, इतनी मुश्किल से मिले हैं, सो जाऊंगा क्या? अरे हाँ मैं फाइल चेक कर लूंगा, डोंट वरी हो जाएगा। ठीक है मैं रखता हूँ। बुड्ढी इधर आ। जी साहब जी। अरे इधर तो आ। तुझे पता है तू कितनी बड़ी हो गई है? मेरे सामने पैदा हुई थी और अब देखो कितनी बड़ी हो गई है। गुड्डी तू नीचे जाकर पोछा लगा, मैं यहां साफ कर लूंगी। ठीक है। आपकी चाय। या अब ये फाइल्स। जीएसटी की फाइल कहाँ है? अजय जी ने कहा था कि यही फाइल सर। तुझे बोला था ना सारी फाइल चेक करके ले आना। अजय जी ने कहा कि यही सारी फाइल सर। चुप साला, जबान लड़ाता है मुझसे? नहीं साले, एक काम ढंग से तुम रुक नहीं करते। जा जाकर फाइल लेकर आ। रुक जी। कैसे जाएगा? गाड़ी से। पेट्रोल तेरे बाप के पैसों से आता है क्या? छोटे छोटे काम के लिए गाड़ी उठा लेता है साला, गाड़ी से जाएगा। दे चाबी दे। अबे दे जल्दी और पैदल जा। गाड़ी से जाएगा। अरे मयंक आप अब तक रेडी नहीं हुए? आपको याद नहीं था कि शॉपिंग करने जाना है? अरे यार आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। एक काम करो ना, तुम दोनों चले जाओ आज, हम लोग फिर कभी चलेंगे साथ में। और फिर मुझे घर पे रह के पैकिंग भी करनी है, कल मैं मुंबई जा रहा हूँ। क्या है, मैंने सोचा था हम साथ में लंच करेंगे। सॉरी यार, आज चली जाओ ना। ओके फाइन। गीता सब्जी लेकर आई या नहीं? मैम साहब बस जा ही रही। पता था मुझे कि तू नहीं लाई होगी। अब जल्दी जा और सब्जी लेकर आ, और हाँ मेरे आने से पहले खाना बन जाना चाहिए, समझी? जी मैम साहब। बाय 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 बेटा बाय। बुड्ढी एक कप चाय बना दे मेरे लिए। जी साहब।
साहब जी चाय। गुड़े रुक, कहाँ जा रही है? वो नीचे। अरे कभी मेरे पास भी बैठा कर, आ बैठ। नहीं 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 साहब जी, नीचे बहुत काम है। साहब जी क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मुझे नीचे जाने दो। साहब जी, साहब जी नहीं नहीं। आ तो ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, जोश में थोड़ा सा होश खो बैठा था मैं। इसकी जगह अगर रश्मि होती तो भी होश खो बैठते तो अब। चुप कर, औकात पे रहे अपनी। भूल मत कि तेरे पति रमेश ने मेरे साथ पैसों के बदले में डील की है और अभी तक उसने पैसे वापस नहीं किए। ज्यादा चपड़ चपड़ करेगी ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगा, फिर सड़ना दोनों लोग। देखता हूं फिर इसका क्या होता है। और हाँ ले, कुछ पैसे रख, इसका इलाज करवा देना। सही नहीं किया। बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले अच्छा मैं निकलता हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, ठीक है? पर आपको याद है ना कि आपने प्रॉमिस किया था इस ट्रिप के बाद पूरा एक महीना घर पे रुकोगे। अच्छा बाबा, मैं प्रॉमिस करता हूँ रुकूंगा, ठीक? अच्छा मॉम, मुझे भी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है तो मैं चलती हूँ, ठीक है? बेटा चल तू, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। ओके डैड, चलिए बाय बाय बाय। गुड्डी की तबीयत कैसी है? दवाई दी है, सो रही है अभी। ये कहां से आई? गाड़ी बेचती। बैंक को पता चल गया तो? बैंक को पता चलेगा उससे पहले हम लोग यहां से अपना काम कर निकल जाएंगे। कहां है वो? ऊपर कमरे में। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई अंदर घुसने की? हाँ ये, ये, ये क्या है रमेश, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ना क्या ये? बन रख, बिल्कुल चुप। चुप, हमारी बारी है। किताब आने से छोड़ो मुझे। मॉम, 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 मम्मी, मम्मी, ये किसने किया? ऐसे हो गया ये? चुप, बिल्कुल चुप।
बहुत सहेलियां हम लोगों ने, पर अब नहीं। बहुत मजा आता ना तुझे हम लोगों पर जुम करने में। किसी का भी गुस्सा सब हम पर निकालती थी ना, गुलाम है ना हम तेरे। लेकिन बस अब और नहीं, अब हम जुर्म करेंगे और तू सहेगी। किताब खोल इसको, काम करवा इससे। छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है अगर मैं मार दूं इसे? यही चाहती है तू? नहीं नहीं, मेरी बेटी को मत मारो प्लीज, उसे मत मारो। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी को? छोड़ जल्दी, सोल बदल के तेरे। मीनाबा, गीता खोल इसे और चाय बनवा। और सुन, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी ना तो सबसे पहले इसे मारूंगा और उसके बाद तुझे। अब सोच ले कि तुझे क्या करना है। नहीं, मेरी बेटी को मत मारो। तुम लोग जैसा बोलोगे मैं वैसे ही करूंगी, पक्का। गीता लेकर जाए इसको, और अगर नीचे कोई भी ड्रामा करे तो मुझे आवाज लगा देना। चल, चल जल्दी। मेरी बेटी को मत मारो। और गीता सुन, अगर ये नीचे कोई ड्रामा करने लगे तो आवाज लगा देना। रश्मि को यही मार दूंगा। चल चल, चाय बना, 5 मिनट में तैयार चाहिए। शुरू हो जा। क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? लगता है रश्मि मरेगी तभी सुनाई देगा तुझे। सुनिए, मैं बनाती हूँ। चल, क्या हुआ, चीनी चाय पत्ती ढूंढ रही है? हाँ, कहाँ है? पता होना चाहिए तुझे कि कहाँ है। चल जल्दी ढूंढ और जल्दी चाय बना। चल चाय। ऐसे देते हैं चाय? बोल साहब, आपकी चाय। साहब, चाय। इतनी घटिया चाय, इतनी घटिया चाय। मैं चाय तक बनाना नहीं आती है। चाय ऐसे बनाई जाती है। जब इतनी घटिया चाय बनाई है तूने तो इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। गीता, अभी से रोने लगी? अभी तो घर का पूरा काम बाकी है, वो कौन करेगा तेरा बाप? चल शुरू हो जा। यहाँ पे कर अच्छे से, दिख नहीं रहा क्या? हाँ, चल जल्दी जल्दी लगा।
पोछ, ढंग से पोछ। पोछ तो मैं दम नहीं है क्या? ढंग से दबा। मयंक का फोन आ रहा है, बेचारा कल से परेशान हो रहा होगा। बात करेगी? ले। बात करेगी, चुपचाप पैर दबा। अरे अनिल भाई साहब, आप? अरे जया जी, कल से कोई दिख नहीं रहा, आपकी कार नहीं दिख रही, सब ठीक तो है? सब ठीक है, वो कार सर्विसिंग के लिए गई है। अच्छा, मयंक क्या गया? मैंने उसको बुलाया था कल। हाँ वो मेम साहब, काम हो गया, आप चल के देख लीजिए। भाई साहब, मैं बाद में बात करती हूँ। प्लीज छोड़ दो, आप लोगों को जो चाहिए वो ले लो, पर हमें छोड़ दो। बता देंगे क्या चाहिए। मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। इसके हाथ पांव बांधो जाए। अब क्या करेंगे? मयंक की बात तो करवानी पड़ेगी इन लोगों से, ये तो उसे शक हो जाएगा। तू करेगी अपने बाप से बात, समझी? और अगर तूने थोड़ी भी होशियारी की ना, तो सोच ले कि तू और तेरी माँ दोनों मारे जाएंगे, समझी? ये ले, बात कर। हेलो रश्मि। हाय डैड। अरे बेटा, कहाँ हो तुम लोग? मैं कल से कितनी बार फोन लगा चुका हूँ, लेकिन तुम लोग फोन ही नहीं उठा रहे हो। कितनी टेंशन हो रही थी मुझे, पता है तुम लोगों को? वो डैड, मैं स्टडी कर रही थी ना, तो इसके लिए फोन साइलेंट पे था। और तुम्हारी मम्मी कहाँ हैं? वो भी फोन नहीं उठा रही हैं। वो मॉम मार्केट गई हैं डैड। ठीक है, तुम अभी के अभी वीडियो कॉल पर आओ। अब क्या करेंगे? मैं तो कहती हूँ निकलते हैं यहाँ से। नहीं, अभी दिन में नहीं निकल सकता। और अनिल होगा, अगर उससे देखेगा तो वो शक करेगा। मैं रात होने का इंतजार करना पड़ेगा गीता। अगर वीडियो कॉल पे बात नहीं कर रही तो मयंक को शक हो जाएगा कुछ गड़बड़ है। नहीं, करवा दे, वीडियो कॉल पर ही बात करवा दे। तो किचन से चाकू लेकर आ। समझ गई ना? अगर तूने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो ये गोली तेरे भेजे में, और वो चाकू तेरी मां की गर्दन के पास। चलो अपना थोबड़ा ठीक करो और कॉल रिसीव कर। हाय डैड। अरे बेटा, तुमको इतना टाइम क्यों लगता है फोन उठाने में? कब से फोन कर रहा हूँ लेकिन तुम लोग फोन ही नहीं उठा रहे हो। अरे कुछ नहीं डैड, वो लाइट ऑन कर रही थी, अंधेरा था ना। आप बताओ, आप पहुँच गए मुंबई? बेटा पहुँच तो मैं कल ही गया था, लेकिन फिक्र तुझे आज हो रही है।
और ये क्या हो गया तुझे? तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? सब ठीक तो है ना वहाँ पे? हाँ हाँ, वो कल पूरी रात पढ़ाई की है ना एग्जाम्स की वजह से, शायद इसलिए लग रहा होगा। अच्छा, जया कहाँ है? मॉम तो मार्केट गए हैं शॉपिंग करने। आजकल कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर रही है तुम्हारी मम्मी? हाँ डैड, और कल तो मॉम ने, कल तो क्या? कुछ नहीं डैड। अरे बोल ना बेटा, कल तो क्या? अरे जाने दीजिए ना, मॉम को पता चलेगा तो डांटेगी वो। अरे नहीं डांटेगी, बता ऐसा क्या किया है? पहले आप प्रॉमिस करो कि आप ओवर रिएक्ट नहीं करोगे। अरे रश्मि बेटा, ये क्या बचपना है? अच्छा ठीक है बाबा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ओवर रिएक्ट नहीं करूँगा, ठीक है? अब बताओ। वो ना मॉम ने कल 5 लाख का नेकलेस खरीदा और बोला कि मैं आप लोगों को ना बताऊं। अब समझ गए आप? हाँ बेटा मैं समझ गया। तेरी बेटी तुझसे ज्यादा समझदार है, कितनी आसानी से संभाल लिया उसने सब कुछ। गुड्डी का बुखार और बढ़ता जा रहा है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा। बहुत ले लिया बदला बदला, अब निकलते हैं यहाँ से। ठीक है निकलते हैं यहाँ से, वैसे भी रात हो रही है, तुम गुड्डी को तैयार करो, मैं तब तक माल समेटता हूँ। गुड्डी बेटा। गीता जल्दी करो। सुनिए मैं 2 मिनट में आई। लेकिन कहाँ जा रही हो? आ गई थी। चल बेटा, चल बेटा, उठ उठ उठ, आराम से, आराम से, आराम से। इंस्पेक्टर साहब यही है, अरेस्ट कर लीजिए इन्हें, पकड़ो इनको। आप जाइए ऊपर देखिए। रश्मि, डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गया हूँ। इसकी हालत बहुत खराब है, अभी अस्पताल लेकर जाइए। पर मयंक तुम्हें कैसे पता चला कि इन लोगों ने रश्मि और जया को बंधक बना के रखा है? ये सब कुछ रश्मि की समझदारी से हुआ। मैं जब उससे वीडियो कॉल पे बात कर रहा था तो। पक्का? अरे पक्का बाबा पक्का। वो ना मॉम ने कल 5 लाख का नेकलेस खरीदा और बोला कि मैं आप लोगों को ना बताऊं। अब समझ गए आप? हाँ बेटा मैं समझ गया, आगे खबर लेता हूँ उसकी। हाँ डैड कम सून। अच्छा चलिए मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, बाय। उसके बाद मैंने फ्लाइट पकड़ी और सीधा यहाँ आ गया। अगर रश्मि ने दिमाग नहीं लगाया होता तो ये लोग पक्के भाग चुके होते। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, नमक हराम हो तुम दोनों। नमक हराम नहीं है।
इस कमीने को सबक सिखाने के लिए हम लोगों ने ये सब किया। क्या क्या मतलब? मतलब ये साहब कि इन्होंने हमारी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना रखी थी, गुलाम बना रखा था हमें साहब। हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर इससे कागज पर अंगूठा लगवाया, उसके बाद मेरे परिवार के साथ जानवरों जैसा बदतर सलूक किया। कोई ऐसा दिन नहीं जाता था सब जब ये मेरी बीवी बच्चों को और मुझ पर अत्याचार नहीं करता था। तो तुम लोग पुलिस के पास भी आ सकते थे? पुलिस के पास? इस इंसान ने हमारे अंदर इतना डर भर कर रखा हुआ था कि हम पुलिस के पास कैसे जाते। और साहब, इन लोगों के अत्याचार हम अपनी किस्मत समझ कर चुपचाप सहते रहते थे साहब। लेकिन एक दिन इस मयंक ने तेरी बच्ची के साथ बलात्कार, जबरदस्ती की साहब, बिल्कुल दया नहीं आई इसे गुड्डी पर। अहमान है ये साहब, अहमान है। खबर हुए अत्याचार को तो हम बर्दाश्त कर गए साहब, लेकिन अपनी बच्ची का दर्द हमसे देखा नहीं गया, इसलिए हम लोगों ने बदला लेने की ठान ली। साहब, आपको हमें जो सजा देनी दे दीजिए, लेकिन हमारी बच्ची को बचा लीजिए साहब, बहुत बीमार है, सब बहुत दर्द हो रहा साहब। इन लोगों ने जो किया वो गलत था, मगर इस सब के जिम्मेवार तुम हो। तुमने एक नहीं दो दो गुना किए हैं। एक तो तुमने इनको गुलाम बनाकर रखा और दूसरा तुमने इस बच्चे के साथ। मुझे तुम्हें दुगनी सजा दिलवाऊंगा। ले चलो इसे भी और इन्हें भी, चलो सब। मैं सब सुनिए।